हाय एवरीबॉडी, मैं हूँ श्वेता जुमानी और आज हम बात करने वाले हैं एडुकेशन की। इतना सारा महामारी चल रहा है, दुनिया हिल गई है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, खाने को नहीं है, कुछ नहीं है, लोग अपनी जान बचा रहे हैं, लिटरली जान बचा रहे हैं, कुछ लोग ऑक्सीजन टैंक्स में हैं, कुछ हॉस्पिटल्स में लाशें पड़ी हुई है। इस वक्त इतना बुरा हाल है, फिर भी लेडीज को ये फिक्र है कि बच्चों को स्कूल भेजे कि नहीं भेजे। लॉकडाउन तो खुल गया है लेकिन आपको वार्निंग दी गई थी कि आपको आत्मनिर्भर रहना है। इसका मतलब क्या है? अपना ख्याल खुद रखिए। तो आप क्या इस पैंडेमिक में भी ये चाहते हो कि आप अपने बच्चा स्कूल जाए, एग्जाम दे और पास हो जाए या फेल हो जाए तो क्या होगा? क्या आप अपने बच्चे से प्यार करना कम करोगे? कुछ बच्चे बेचारे ऑटिस्टिक होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती है कितने बच्चों में, तो क्या हम उनको प्यार कम करते हैं? अपने बच्चे को कोई कम प्यार करता है? नहीं। जब आपने डिसाइड कर दिया है कि आप अपने बच्चे से ज्यादा किसी और चीज को प्यार ही नहीं करते इतना ज्यादा, तो मामला खत्म हो गया ना। हाउ कैन यू इवन थिंक ऑफ टेकिंग द रिस्क टू सेंड द चिल्ड्रन टू स्कूल, कॉलेज, जो भी है। मुझे कई लोगों ने लिखा है आई एम नॉट श्योर गवर्नमेंट बच्चों को स्कूल जाने देगी नहीं जाने देगी, आई डोंट नो। लेकिन ये टॉपिक मैंने क्यों छेड़ी है, क्योंकि अब मुझे लोग लिख के बोलते हैं कि हम क्या करें, क्या हम अपने बच्चों को भेजें कि नहीं भेजें। सो प्लीज, एडुकेशन लाइफ से ज्यादा नहीं है कोई चीज, लाइफ इम्पॉर्टेंट है, हमारे बच्चे इम्पॉर्टेंट है। अब सबसे पहले स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। एडुकेशन इंग्लिश में क्यों बनी गई थी? पहले गुरुकुल्स होते थे, एक टीचर अलग अलग बच्चों को अलग अलग चीजें सिखाता था। लेकिन जब अंग्रेज आए उनको अलग कुछ नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ बहुत वैरायटी थी। तमिल था, गुजराती था, मारवाड़ी था, सिंधी था, पंजाबी था, बंगाली था, मलयाली था, मराठी था। तो वो सब पक गए कि कैसे हम लोग इतने लोगों को हैंडल करेंगे। सबसे पहले अंग्रेजों ने हमको सिखाया कि इंग्लिश बोलो ताकि हम उनके लिए काम कर सके, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। और आपको क्या ये बात पता है, ऑल ओवर द इंटरनेट स्टोरीज हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम वॉज डिजाइंड टू मेक फैक्ट्री वर्कर्स। और आज तक अंग्रेजों को जाके 75 साल हो गए लेकिन अब तक हम लोगों की सिस्टम चेंज नहीं हुई है। रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत कोशिश की थी शांति निकेतन बना के कुछ करने की चेंजेस, लेकिन नहीं हुआ। सब लोग सिर्फ 1st से 10th तक पढ़ते रहते हैं, एग्जाम देते रहते हैं। और सबसे बुरी चीज जो मुझे लगती है स्कूल्स की, कि वो आपको अकेला रहना सिखाती है। वो आपको ये सिखाती है तुमको फर्स्ट आना है, तो एक दूसरे से हमें कंपटीशन सिखाते हैं। ठीक है, कंपटीशन इज नॉट बैड, इट्स हेल्दी अप टू अ सर्टेन लिमिट, उसके आगे नहीं। इट्स वेरी सैड कि जो बच्चा को मैथ्स नहीं समझ में आ रहा है वो थोड़ा क्रिएटिव है, वो शायद फोटोग्राफी अच्छा करता है, वो शायद गाने अच्छे गाता है, उसको भी मैथ्स सिखाई जाती है। लेकिन वी कैन नॉट बी 100% इन एनीथिंग, वी आर बैड इन सो मेनी थिंग्स। सो हैव अ फोकस, बच्चों में देखिए वो कौन से फील्ड में अच्छे हैं। सब बच्चे वही सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं? आपका बच्चा साइंस में बहुत अच्छा है, या अगर बेटर एग्जांपल है, आपका बच्चा साइंस में खराब है लेकिन आप उसको डॉक्टर बनाना चाहते हो, आप पुश कर रहे हो। अपने देश में तो भैया गांधी जी दिखा के एडमिशन मिल भी जाती है, बट इज इट राइट टू मेक अ डॉक्टर लाइक दैट? इंजीनियरिंग का वेव आया था तो सब इंजीनियर्स, अभी आपको पता है देश में कितने इंजीनियर्स निकम्मे बैठे हैं? दे डोंट हैव एनी जॉब्स बिकॉज ओवरडोज हो गया। बच्चे के अंदर देखो उसको क्या आता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है फ्यूचर किस में है, चलो वहां जाते हैं। आपको तो पता है स्कैर्सिटी अच्छी होती है, आमिर खान ने तो समझ लिया है, इसलिए साल में एक ही पिक्चर करते हैं वो। ये रूल लाइफ में भी है। इवन सब्जियों में अगर आप देखोगे, कोई सब्जियां इतनी सस्ती होती है, कोई महंगी होती है, क्योंकि स्केर्सली अवेलेबल होती है, गोल्ड स्केर्सली अवेलेबल है, इसलिए इतना महंगा है। फ्रॉम दिस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर सब लोग वही कर रहे हैं तो आपके बच्चे को कुछ वैल्यू नहीं होगा। आप लोग 5th 6th के बाद अपने बच्चे में देखो कि ये किस में एक्सेल कर रहा है। 5th 6th स्टैंडर्ड तक मैं मानती हूँ बेसिक एजुकेशन सबके लिए जरूरी है, इंट्रोड्यूसिंग देम टू मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, कम्युनिकेशन, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट टिल 5th 6th स्टैंडर्ड। 6th स्टैंडर्ड के बाद यू हैव टू डिसाइड इफ योर चाइल्ड इज वेरी गुड इन इंग्लिश और हिस्ट्री और ज्योग्राफी। और जब तक ये साइड बाय साइड चल रहा है ना, उससे बहुत पहले आपको मेरी हर वीडियो देखनी है,
नंबर के ऊपर, बर्थडेट के अनुसार आपके बच्चे के लिए कौन सा करियर है वो टोटली एक अलग टॉपिक है, जिसमें आपको बर्थडेट के अनुसार पता चलेगा कि आपका बच्चा इज मेड फॉर व्हाट थिंग्स। आप एज ए मदर उनको सिखाएंगे अच्छा इंसान बनना, आप एज ए मदर उसको सिखाएंगे अपने वाइफ या हस्बैंड के साथ बिहेव करना, आप एज ए मदर उनको सिखाएंगे टू बी अ गुड सिटीजन। और कोई ये काम नहीं कर रहा है, सॉरी टू से देयर आर वेरी फ्यू मेन हु टेक इंटरेस्ट इन ब्रिंगिंग अप देयर चिल्ड्रन। होंगे, बहुत सारे हैं, मेरे घर में भी हैं, बट इट इज नॉट जनरल। जनरली हर चीज लेडी के सर के ऊपर आती है। स्पेशली दिस वीडियो इज फॉर ऑल यू लेडीज, आप लोगों को अपने बच्चों को बहुत काम सिखाने हैं। मार्क्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, आपने स्कूल में जो मार्क्स लाए थे अभी आप उसके साथ क्या कर रहे हो? क्या कोई स्कूल ने आपको सिखाया कि कॉलेज के अंदर पहुंचते ही हम कैसे हड़बड़ा जाते हैं? वी डोंट नो हाउ टू हैंडल बिकॉज वी आर सो गुड बिजी एनग्रोस्ड इन बुक्स, वी डोंट नो द रियल लाइफ। तो रियल लाइफ अपने बच्चों को घर पर ही सिखाइए। यहाँ पर आप लोग ड्राइंग है, पेंटिंग है, म्यूजिक है, सिंगिंग है, हर चीज में अपने बच्चों को आपको डालना है, सो दैट बाय द टाइम ही इज इन फिफ्थ और सिक्स्थ स्टैंडर्ड यू विल नो के व्हाट इज ही गुड एट। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी इज वेरी गुड। स्पोर्ट्स ग्राउंड पे एक बच्चा जो सीखता है ना, और कहीं नहीं सीख सकता है। यहाँ पर मुझे जापान याद आ गया, जापान में जब तक बच्चा सिक्स स्टैंडर्ड तक होता है देर आर नो एग्जाम्स, टेस्ट वेस्ट होते हैं बट दे डोंट रियली फेल देम, ऐसे डिक्लेयर भी नहीं करते हैं कौन से बच्चे को कितने मार्क्स मिले हुए हैं। उनके स्कूल में खेती बाड़ी सिखाई जाती है, मेडिटेशन सिखाया जाता है, क्लीनिंग सिखाया जाता है, प्यून व्यून कोई नहीं होता है, टॉयलेट साफ करना, घर चला, घर की सब चीजें कैसे रखना, स्कूल को साफ सुथरा रखना, ये सब चीजें ये जिंदगी में काम आती है। अब लॉकडाउन में हालत खराब हो गई ना सबकी, क्योंकि हम इंडियंस आप बिगड़े हुए हैं, हमको तो काम वाली बाई चाहिए होती है। अब आपको पता चला कि फॉरेनर्स ऐसे कैसे मस्त रहते हैं, अपना काम खुद ही करते हैं वो लोग बचपन से। वो एक चीज बहुत जरूरी है आपको बच्चों में सिखाना। ऑफकोर्स मैं तो नहीं कर सकती, आई एम टू ओल्ड फॉर दैट नाउ टू लर्न एट दिस एज टू डू माई झाड़ू पोछा एंड बर्तन, हैव बीन स्पॉइल्ड। लेकिन आपको अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, अपनी प्लेट लेके जाओ वॉश बेसिन में और अपनी प्लेट कटोरी चम्मच धो के रखो। आई नो इट इज नॉट पॉसिबल बट वी हैव टू टीच दीज थिंग्स, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द मार्क्स दैट अ चाइल्ड इज गेटिंग इन स्कूल। मैं खुद बहुत एवरेज स्टूडेंट थी, मैं कितनी क्लास में मिस्टेक्स करती थी, लेकिन मेरे माँ बाप ने कभी मुझे उसके लिए धिक्कारा नहीं, धुतकारा नहीं। उस वजह से आज मैं यहाँ पहुंची हूँ। मैं रोज नील डाउन करती थी, मैं और मेरी फ्रेंड यास्मीन, हम लोग रोज क्लास के बाहर होते थे, क्योंकि या तो हम लोग मस्ती करते रहते थे, हंसते रहते थे, कुछ ना कुछ करते थे। आज उसके खुद के दो पार्लर्स हैं और मैं आपके सामने हूँ, क्योंकि हमने पढ़ाई कम की, बाकी मस्ती ज्यादा करते थे हम लोग। बहुत जरूरी है बुक्स में से बच्चों को निकालना। स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल यहाँ देना पड़ेगा मुझे आपको। सिक्स स्टैंडर्ड ड्रॉप आउट, नो पेरेंट्स, इतना बोर हो गए थे स्कूल वाले उससे, क्योंकि उसको कुछ समझता ही नहीं था, उसको स्कूल से निकाल दिया गया। आज वो आदमी क्या करके गया है इस जग के लिए। राइट नाउ मैं आपसे बात कर रही हूँ वही एप्पल कैमरा के ऊपर, फोन कैमरा हर चीज एक फोन के अंदर। कभी हम लोगों ने सोचा था इस जिंदगी में हम लोग ये सब देख पाएंगे? एक सिक्स स्टैंडर्ड फेलियर ने क्यों किया? क्योंकि उसका इमेजिनेशन पावर जागरूक था, स्कूल की किताबें उसके अंदर जा नहीं पाई और सही टाइम पे उसको स्कूल से निकाल दिया गया, तो ही कुड इमेजिन कि मैं क्या कर सकता हूँ। आप लोग ग्रेजुएशन के बाद और डबल ग्रेजुएशन करते हो और हायर स्टडीज करते हो, यहाँ पर राहुल गांधी की बात करने पड़ेगी। फॉरेन कंट्री से सीख के आए हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, दुनिया उनको पप्पू बुलाती है, क्या फायदा? क्योंकि जब वक्त था उनको सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी के पास बैठ के सब पॉलिटिकल बातें सीखना, और बड़े बड़े दिग्गज नेता जो उनके कांग्रेस पार्टी में उस वक्त थे उनसे अगर वो बातें सीखते आज कहाँ होते। अब उनको पॉलिटिक्स नहीं समझ में आ रहा है, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि वो पप्पू है। खैर वो भी एक, उनका ट्रेनिंग अभी चल रही है, नेवर नो फ्यूचर में क्या होने वाला है। सो हर चीज के लिए वक्त लगता है। अब वो सीखो ना जो आपको आता है, जो आपको करना है, जो आपको समझ में आ रहा है। वो सब पढ़ाई का क्या फायदा जस्ट बिकॉज दुनिया को आपको दिखाना है हमारा बच्चा फॉरेन जाके ये डिग्री लेके आया है। वर्किंग क्लास लोगों की बात तो छोड़ दो, मेरे पास करोड़पति लोग आते हैं, इतना पैसा होता है ये
मारवाड़ी कम्युनिटी के पास, वो लोग आके मुझे बोलते हैं मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, तो मुझे यहाँ बहुत दुख होता है। मैंने कहा अगर तुम लोग पढ़े लिखे होते, तुम्हारे बाप दादा पढ़े लिखे होते, जैन कम्युनिटी, मारवाड़ी कम्युनिटी, गुजराती कम्युनिटी, पंजाबी कम्युनिटी, पूर्वज हमारे, अगर सब सिंधी इंक्लूडिंग अस, हम लोग सब इतना पढ़े लिखे होते तो भैया मोटा मोटा पैसा कहाँ से आता, मोटा भाई कौन बनता। धीरू भाई अंबानी 10th पास थे इसीलिए वहां पहुंच सके। ऐसे इंटरनेट पे आपको हजार नाम मिलेंगे, मार्क जुकरबर्ग मुझे मालूम है, बिल गेट्स मुझे मालूम है, MS धोनी मुझे मालूम है, आमिर खान मुझे मालूम है, विराट कोहली मुझे मालूम है, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, ये सब लोग बहुत हाईली क्वालिफाइड नहीं है, बड़ी बड़ी डिग्रियां इनके पास नहीं है। मैं खुद ग्रेजुएट हूँ, बस उससे ज्यादा मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। देखो एजुकेशन के बगैर हम लोग बात भी नहीं कर पाएंगे, हमें अक्ल भी नहीं आएगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बेसिक एजुकेशन, बट आई एम टेलिंग यू कि उस बेसिक एजुकेशन के दौरान आपको बच्चे में ढूंढना है कि आगे जाके इसको क्या करना है। जस्ट बिकॉज एक चीज चल रही है वो वेव के साथ मत चाहिए। जो चीजें एक्चुअली स्कूल में हमें सिखाई जानी चाहिए, लाइक फॉर मेन इट इज कम्युनिकेशन या टीम वर्क, आपको टीम वर्क नहीं सिखाया जाता है स्कूल में। टीम वर्क से हम ये सीखते हैं कि 50 लोगों को ले सककर हम लोग अच्छा काम कैसे कर सकते हैं। डू दे टीच यू? नो, दे टीच यू लोनलीनेस। तुम अपना होमवर्क अच्छा करो, तुम अपने मार्क्स अच्छे से लाओ, तुम अपना सब कुछ देखो। दैट इज वन थिंग रॉन्ग वेयर वी नीड टू मेक सम चेंजेस। पीपल हैव टू लर्न बिकॉज ये दुनिया टीम वर्क पे चलती है। लेडीज के बारे में एक चीज है, एवरीथिंग दे हैव लर्नड फ्रॉम देयर मदर। स्कूल में सीखा हुआ कौन सा काम उनको शादी के बाद काम आता है या उनको बच्चे पालने में काम आता है। सो यू बीइंग अ मदर, आपके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको अपने बच्चों को बहुत ज्यादा सिखाना है कम्पेयर टू स्कूल क्या सिखाएगा। सो डोंट बी वेरी हैप्पी कि मेरा बच्चा तो स्कूल से आने के बाद बहुत पढ़ाई कर रहा है, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है। आप उसके साथ वक्त बिताइए, आप उसको सिखाइए कि दुनिया कैसे चलती है, रिलेशनशिप क्या होते हैं। हमारे पास रामायण है, महाभारत है, हमारे पास हजारों चीजें हैं अपने बच्चों को सिखाने के लिए। वी आर फॉरगेटिंग एवरीथिंग एंड वी आर ओनली गोइंग आफ्टर मार्क्स। मैगी खिला रहे हैं, अनहेल्दी फूड खिला रहे हैं और बस बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नो डाउट एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन दूसरी चीजों पर भी फोकस कीजिए। और एक क्वेश्चन मैं हमेशा फेस करती हूँ, हमारे घर में सब लोग इंजीनियर हैं इसलिए ये इनको भी हमें बच्चों को इंजीनियर बनाना है। ऐसे होता है क्या? इज इट पॉसिबल? अमिताभ बच्चन जी का बेटा क्या अमिताभ बच्चन बन सका? इट्स नॉट एवरी टाइम पॉसिबल, क्योंकि हम सब अलग अलग लोग हैं। हम सबको वो सब नहीं करना चाहिए जस्ट बिकॉज हमारी फैमिली कर रही है। प्लीज लुक इन टू योर चाइल्ड। मुझे बहुत दुख होता है कि बच्चे लोगों को फोटोग्राफी करनी है, आप उनको बैठ के मैथ सिखा रहे हो। ऐसे कितने केसेस मेरे पास आ चुके हैं। इस पैंडेमिक में क्या हम लोग ने इतना नहीं सीखा कि तुम कितने भी वॉरेन बुफे थे लेकिन आज तुम्हारे भी तो शेयर्स गिर गए ना। वॉरेन बुफे ये कहते हैं कि पहले पैसे बचाओ, जो थोड़ा बहुत बचेगा ना उसमें घर चलाओ। पैसे बचा के तुम क्या करोगे? जाना ऊपर है सब पैसे या दूसरों के लिए छोड़ के जाने वाले हो? बची क्या? लाइफ। और एक अच्छी लाइफ के लिए हमें वो काम करना चाहिए जो करते हुए हमें अच्छा लगता है। अमिताभ बच्चन जी ने कितनी मूवीज बनाई है आपको पता है? पैंडेमिक में बैठे बैठे कर रहे। मैंने इतनी सारी वीडियोस न्यूमरोलॉजी के ऊपर इस वक्त बनाई है जो मैंने इतने सालों तक नहीं बनाई है। आप तो मेरे फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे, और अगर नहीं हो तो प्लीज इमिडिएटली सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो, सब कुछ करो सो दैट यू गेट माई मोर वीडियोस। अब आते हैं सबसे मेन क्वेश्चन, क्या अगले 2-3 महीने तक हमें बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए? तो मैं कहूंगी बिल्कुल नहीं। अगर एक साल बर्बाद होता है ना, हो जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। बहुत सारे फेलियर्स हैं दुनिया में, फेल नहीं होगे तो आप सक्सेस भी कैसे पाओगे। फिर लोग मुझे पूछते हैं ये सब कब खत्म होगा। अब 2020 तो 31 दिसंबर को ही खत्म हो रहा है ना।